नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। काम करने के मांगे पैसे तो मिली गालियां और जान से मारने की धमकी। प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी सीतापुर के थाना इमिलिया सुल्तानपुर की चौकी काजी कमालपुर के अंतर्गत मामला शहादत नगर का है, जहां के रहने वाले मदन लाल अर्कवंशी ने लखनऊ सदर निवासी अंशु पांडे, जो बड़े बड़े ठेके लेकर के काम करवाते हैं, उन पर आरोप लगाया है। अंशु पांडे ने मदन लाल अर्कवंशी और उसके 18 साथियों से झारखंड पलामू में रेलवे का काम चल रहा था, जिसमें अंशु पांडे ने करीब 2.5 महीने शहादत नगर निवासी लेबरों से काम करवाया। लगभग 1,58,000 पेमेंट बना। काम के दौरान अंशु पांडे ने 98,000 रुपए दिए हैं, ऐसा मदन लाल अर्कवंशी ने आरोप लगाया है। शेष पैसा 16,09,000 बचता है। शेष पैसा मांगने पर अंशु पांडे मदन लाल और उसके साथियों से कहता है कि अब पैसा हम नहीं देंगे, तुम्हें जो भी करना है वह करो जाकर। मदन लाल का यह भी आरोप है कि अंशु पांडे पेशे से वकील है और बड़े बड़े टेंडर लेकर के काम करवाता है। जो 18 मजदूर शहादत नगर सीतापुर से पलामू झारखंड के लिए काम करने गए, उसमें 2-3 महिलाएं भी शामिल हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये गरीब तबके के लोग अपना घर परिवार छोड़ करके परदेश कमाने गए थे। 2.25 महीने काम करने के बाद बेचारों ने जब पैसा मांगा तो उन्हें भद्दी भद्दी गालियां और जान से मारने की धमकी दी। अब इस स्थिति में ये लेबर मजदूर किसकी शरण में जाए जो इनकी मेहनत का पैसा मिल सके। सोचने वाली बात यह है कि मजदूरों का मेहनत का पैसा नहीं मिला, जो बेचारे खून पसीने की कमाई है। उधर बैठे बैठे 16,09,000 अंशु पांडे दबा देना चाहते हैं। आखिर इस देश में यह बेईमानी मक्कारी कब जाएगी? कब मजदूरों को उनका हक मिलेगा? सोचने का विषय। इस देश में गरीब तबके लोगों को ही दबाया जाता है। इन बड़े माफिया और गुंडों का यह रवैया कब तक चलेगा कि मजदूरों के पैसों को भी नहीं देना चाहते? अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि लेबर मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। शहादत नगर के जितने भी लेबर पलामू झारखंड काम करने के लिए गए थे, उनका यह कहना है कि हम इतने दिन वहाँ काम किया, पैसा नहीं मिला, अब चौमास में हम क्या खाएं, हमारे घर में खाने को एक दाना भी नहीं। स्थिति बहुत दयनीय है। अब देखना यह है कि लेबरों के साथ न्याय होता है या नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 भारत। हम खड़े हैं इस समय यूपी सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर की चौकी काजी कमालपुर के अंतर्गत ग्राम शहादत नगर। शहादत नगर में एक ऐसा मामला है जो यहाँ के लेबर वर्ग के लोग काम करने के लिए झारखंड जिला पलामू में काम करने के लिए गए थे और इन्होंने करीब 2.25 महीने वहाँ काम किया और काम करने के बाद में इनका पेमेंट जो है वो ठेकेदार ने रोक दिया है। आइए जानकारी लेते हैं सारा प्रकरण क्या है। मामला था, हम काम करने गए थे झारखंड जिला, वहाँ काम किए 2.25 महीने मिले थे, 89,000 रुपये हमें मिले थे और सर पैसे बोला कि यहाँ से चले जाओ उनका सीतापुर। कितना पैसा तुम्हारा था? कुल पैसा हमारा है 2,58,000। 2,58,000 में से 89,000 और बाकी पैसा जब मांगा तो क्या? 1,69,000 रुपया पड़ा है। 1,69,000 बाकी है। जो पैसा आपने मांगा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने गाली दिया, मारे दौड़ा था। कौन? अंशु पांडे। लखनऊ सदर बाजार के। मतलब वो आपका बाकी पैसा नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। कितने लोग काम करने के लिए गए थे? 18 लोग। कितने दिन काम किया? 2.25 महीने। 2.25 महीने। क्या नाम है आपका? मदन लाल। कहाँ के रहने वाले हो? नगर जिला से झारखंड गए थे, झारखंड के डिस्ट्रिक्ट पलामू में रोजी रोटी कमाने के लिए। 89,000 रुपया दिया। 89,000 2,58,000 में से 89,000 रुपया दिया है जी सर। बाकी जो पैसा शेष बचा वो मांगा तो क्या कहा? उन्होंने गाली दी, मारने दौड़ा, किराया भी नहीं दिया। चौथे दिन वहाँ से आ पाए। नहीं, क्या कहते हैं जो पैसा मांगते हैं कि तुमने काम ही नहीं किया, यहाँ काम ही नहीं किया। हाँ, वो बोल रहे सीधे काम नहीं किया तुमने। अच्छा, और हमारी जो रेट नहीं है वो लगा नहीं रहे हैं। 200 रुपये दिहाड़ी रखा, 498 रुपये 498 मतलब सब हुई। अच्छा, सारी लेबरी जो है 400 रुपये दिहाड़ी हमारी तय थी उनकी। अच्छा, एक लेबर में 400 रुपये तो मतलब वो आपका पैसा नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे साहब, और उल्टा हमें धमकी दिया, मारने दौड़े, बीवी को हमारी गाली दिया। अच्छा, क्या काहे के लिए? काहे पैसे मांगने के लिए साहब। पैसा हिसाब करने आए थे, हिसाब अपना रजिस्टर कुछ दिखाया नहीं, हमारी कॉपी देख लिया, उससे भी नहीं किया। और कहा तुम्हारी इतने हो जाइए, जाओ यहाँ से, नहीं तो मारेंगे सर। नहीं किया वहाँ, क्या करते हैं बाहर, वहाँ सरपंच जो थे वहाँ हमने की थी कार्रवाई। ये काम आपने कहाँ किया है? ये काम किया हम साहब झारखंड डाल्टनगंज स्टेशन से चांकी स्टेशन तक, झारखंड जिला। डिस्ट्रिक्ट कौन है जिला? पलामू जिला। पलामू जिला में जी।
तो वहाँ काम किया है, तो पैसा आपका पूरा नहीं अब मिला है? पूरा साहब बस इतना पैसा मिला, सारा पैसा पड़ा ही तो है साहब, पैसा नहीं दे रहे हैं। लेबर हमारी कपड़ी खोल रहे साहब। अच्छा, जिम्मेदार हमें तो हमारे हमसे ही तो मांगेंगे। अच्छा, क्या जो ठेकेदार वहाँ के मेन है, क्या नाम उनका है? अंशु पांडे। अंशु पांडे ये कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ सदर बाजार के। लखनऊ सदर बाजार के जी। तो उनका वकील हैं पेशे से। अच्छा, पेशे से वकील हैं जी। अच्छा, अब यहाँ तो अब यहाँ से मतलब आपका पैसा जो लेबर है वो पैसा आपसे मांग रहे हैं? मांग रहे हैं साहब, हमारे पास है नहीं तो हम दें कहाँ से? अगर हमारे घर होता तो काम करने क्यों जाते? हाँ भैया, आप बताइए। हम आपके काम करने गए थे। हाँ। तो हमने पौने दो महीना काम वहाँ पे किया है। हाँ। और उसके बाद में खाना वाना जो है खर्चा देते रहे, थोड़ा बहुत जो है खाना 500-1000 ऐसे देते रहे। हाँ। तो हम लोग उससे लाते थे, कम लाते थे, खर्चा कैसो न कैसो चलाते थे। उसके बाद में बोला काम नहीं अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हो, तो हम जब काम नहीं अच्छी तरीके से कर पा रहे थे तो जितना पैसा हमको दिया था वो पैसा आप भरा लिए थे, उसके बाद भी तुम्हारा नहीं काम कर पा रहे थे। हमारा मतलब पौने दो महीने काम कराने के बाद बोले कि काम सही से नहीं कर पा रहे। सही से नहीं, जब सारा काम हो गया, जब पैसा देने का टाइम आया तो बताया कि काम सही से नहीं, काम नहीं सही से हुआ है और ऐसे काम नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद में बोला कि पैसा हमारी दीदी भी बीमार थी, उनसे पूछ लीजिए। कई बार हमने खाता दिया, बोला खाता दो, खाता मैंने उसके पास दिया, बोला पैसा आज लगाते हैं कल लगाते हैं, उसके बाद में पैसा नहीं लगाया। पैसा नहीं लगा, जब पैसा मांगने गए तब क्या किया उन्होंने? पैसा मांगने गए तो वहाँ पे धमकाया, बोला कि पैसा सा कैसा कैसे कहीं काम होता है तो पैसा मिलेगा। किसने धमकाया? तो आशु पांडे ने। आशु पांडे ने। फिर उसके बाद में बोला उसका जो छोटू का भाई था तो बोला आ जाएंगे 2-4 दिन में हिसाब होगा। फिर 5-6-10 तारीख तो हमने हिसाब को घर में रुका, काम वहाँ पे जब हो गया तो कोई काम नहीं उसका बचा। तो आया उसके बाद में गाड़ी से 6000 रुपये इनकी कापी देखी दिया, हम वहाँ पे थे वहाँ पे थे, हम चले आए भाई हिसाब हो रहा था तो हम ज़्यादा नहीं ठीक है, फिर वहाँ से हम चले आए। उसके बाद में वहाँ का एक आया, बोला कि तुम्हारे मालिक पर जो है उल्टा पैसा टूटा है 3000, लेकिन इतने दिन हमने काम किया है इतना पैसा मारा है, बोला है कि 3000 उल्टा भी टूट रहा है। फिर उसके बाद में पैसा बोला, फिर दूसरे दिन ने फिर बोला पैसा तो कैसा पैसा है, पे पे लेकर मारे नोला। इसके बाद में ये थी, इनके बाद में इनको भी गाली उली दिया, चप्पल निकाली, चप्पल निकाली आशु पांडे ने। बताइए आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ ये हुआ था कि वहाँ जो आप भी काम करने गई थी वहाँ? जी हाँ, जो ही पैसा मांगते थे फोन पर यहाँ तो इनकी बुआ चोटी जाती थी, तो इसीलिए एक दिन हम जब ये लोग हिसाब करे आए इनसे पैसा मांगे तो इनकी बुआ चोदे लगे। हाँ, क्यों सर? गाली देने लगे। हाँ, गाली देने लगे। अच्छा अच्छा, गाली से। तो एक दिन जब हमें रास ना पड़े तो हमने उनके ऊपर चप्पल वहारे कि किसी के बुआ चोदना और किसी की लड़की चोदना ठीक नहीं होता है, इसीलिए उन लोगों ने हमें मादर चोद और साली गुंडी जैसे पाए तैसे गाली दी। ये किसने गाली दिया? अंशु पांडे। अंशु पांडे ने जी। अच्छा, और जो अंशु पांडे का भाई था छोटा वो भी बहुत गाली देता था, जैसे पाओ तैसे गिरियात बहने का पैसा पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया किसी को। फिर हम लोग आए वहाँ से, ने एक पैसा नहीं था खर्चे के लिए तो हम लोग वहाँ से चलकर पैदल झारखंड से, लेकिन हमें किसी ने पैसा नहीं दिया, अगर कहते थे तो वो गालियाँ देते। तो अब आप क्या चाहती हैं? अब तो हम यही चाहते हैं कि हमारा पैसा दीजिए, अगर नहीं निकल में देंगे तो आपकी जेल में। तो भैया हाँ, अब बताइए भैया आप क्या चाहते हैं? हम सब यही चाहते हैं अगर हमारा पैसे मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं तो सब आगे कार्रवाई करेंगे, बढ़ेंगे आगे। आपका पैसा मिल जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, तो आगे कार्रवाई करेंगे आप। अच्छा, क्या नाम है आपका? मदन लाल। मदन लाल कहाँ के रहने वाले हैं? शाहदन नगर में का। शाहदन नगर में का, जिला कौन सा है? जिला सीतापुर, थाना मिलिया सुल्तानपुर, ब्लॉक एलिया। तो आपके साथ में जितने लोग यहाँ पर हैं सब लोग? सब लोग थे, 18-20 लोग। महिलाएं भी थी? हाँ, महिलाएं हैं नहीं इस वक्त, महिलाएं गई हैं। महिलाएं भी काम करने, बच्चा बनने था काम करने, नाली खोदती थी, फोटो ऐसा देख लो मोबाइल में खोदती थी सब चीज़ें। तो आपने देखा किस तरह से, तो आपने देखा किस तरह से ये लोग यहाँ के करीब 18 लोग काम करने के लिए पलामू झारखंड गए थे, झारखंड के डिस्ट्रिक्ट पलामू में इन्होंने करीब 1.5 महीने काम किया, इनके हिसाब से 2 लाख
58,000 रुपए का इन्होंने काम किया, जिसमें से 89,000 रुपए ठेकेदार ने इन्हें दिए हैं। शेष 158,000 रुपए, 169,000 रुपए शेष बचता है। वो ठेकेदार जो है अंशु पांडे, ये जो पेशे से एडवोकेट बताया जा रहा है, लखनऊ सदर बाजार का रहने वाला, वो इन्हें पेमेंट नहीं दे रहा है। जब ये लोग पैसे उनसे मांगते हैं तो इनको मारने दौड़ता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है, कहता है जो भी करना हो करो, जाके हम पैसा नहीं देंगे। तो अब बताइए कि ये बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, रोजी रोटी के कमाने के लिए अपना यूपी अपना घर बार छोड़ करके झारखंड में इन्होंने पौने 2 महीने बिताए। किस तरह से आदमी अपना घर बार छोड़ करके रोजी रोटी कमाने जाता है और पैसे का लेने का समय आता है तो ठेकेदार लोग इस तरह से इनके साथ पेश आते हैं, आखिर ये लोग कहाँ जाएँ। कैमरामैन प्रेम किशोर के साथ जिला संवाददाता ऑनलाइन। लगभग कितने लोग थे काम? 18 लोग। 18 लोग काम करने, पौने 2 महीने काम किया। तो आपका कुल पेमेंट कितना बचा हुआ था? कुल पेमेंट हुआ है साहब 258,000। 258,000 जिसमें केबल कैंची है 8 किलोमीटर और 6 किलोमीटर डिक्ट है और 498 दिहाड़ी। अच्छा, गए थे झारखंड? झारखंड जी। हाँ। झारखंड गए थे, वहाँ फिरोज खान ने भेजा था। फिरोज खान जी, ये कहाँ के रहने वाले हैं? मुरादाबाद के। उन्होंने कहा कि अंशु पांडे तक जाइए, काम करिए आइए। अंशु पांडे कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के सदर के। लखनऊ के जी। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ गए साहब, किराया लगाया, रिजर्वेशन करा, गए काम करने। काम करते रहे, लेबर सब करते रहे, उनकी नज़रों में काम नहीं किया। वो कह रहे कि तुम काम ही किया नहीं, उनका सुपरवाइजर छोटू वो नहीं माना कुछ। उसके बाद में साहब सब काम करते रहे, सबके घर खर्चा भेजने को कहा तो पैसे नहीं। कितने दिनों वहाँ काम किया? काम किया पौने 2 महीने। पौने 2 महीना जी। अच्छा, कितने जितने लोग खड़े हैं? सब लोग थे, किसी का बोझ लगा, सब लोग। क्या मामला है? मामला ये है, हम काम करने गए थे झारखंड। हाँ, तो वहाँ पे काम कर रहे थे, वहाँ पे जब पैसा मांगा जाता था तो ठेकेदार था तो किराए की दे रहा था। कितने दिनों काम किया? कितने दिन? पौने दो महीने काम किया। पैसा ये पूरा पैसा नहीं दिया। पूरा पैसा मांगा तो क्या बोलते हैं? वो बोलता है मारने दौड़ता है, गाड़ी दिया बताया कहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारते हैं, चले जाओ तो नहीं होगा। अच्छा, पैसा नहीं दे रहा जानकारी, वो भी वहाँ से नहीं कोई उपाय चली, कोई सुनवाई नहीं हुई। 4 दिन में मौका लगा तो देखे वहाँ से, अब मिलेगा नहीं मैं तो वहाँ से हम ये लोग। कौन मतलब पैसा किस पर बाकी है? अंशु पांडे है जो मतलब का। अच्छा, उनके पास पैसा के पास है, पैसा नहीं दे रहा है। पैसा मांगते हैं तो आपको गाली दे रहा है और मारने के लिए मारने के लिए। क्या नाम है आपका? दिनेश। कहाँ के रहने वाले हैं? राधन नगर में। कितने लोग काम करने गए थे? 18 लोग। 18। कितने दिनों काम किया? उन्हें 2 महीने। R9 भारत के लिए सर्वेश दीक्षित की रिपोर्ट, सीतापुर से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।